हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंखाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी अच्छी वीडियो है सभी पीएफ मेंबर्स के लिए। जिसका हम सबको इंतजार था वो घड़ी अब खत्म होने वाली है, और जो गुड न्यूज हमें चाहिए थी वो अभी पीएफओ की तरफ से आ गई है। आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ईपीएफओ हर साल हमें अपना जो पीएफ अमाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट देता है, और जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो ईपीएफओ की तरफ से जो सीबीटी मीटिंग होती है उसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि इस बार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 या 23-24 या 24-25 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा। हर बार अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कई बार सेम होता है, कई बार कम या ज्यादा हो सकता है। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो इंटरेस्ट जो अभी तक किसी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, वो क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि आपको पता होगा ईपीएफओ ने अप्रूव कर दिया था कि ईपीएफओ पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2023-24 में वो 8.25% की दर से मिलेगा, लेकिन उस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल था वो अभी पेंडिंग था, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसकी तरफ से अभी वो पेंडिंग था। तो अभी जो श्रम शक्ति भवन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिसकी डेट है 24 मई 2024। सब्जेक्ट है उसका अप्रूवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ईपीएफ एक्युमुलेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, यानी कि 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो आपका ईपीएफ है उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका अप्रूवल। तो यानी कि अप्रूवल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो आ गया है। यहाँ पे लिखा है आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू ईपीएफओ नोट नंबर इतना इतना डेटेड 20-3-24, क्योंकि 20-3-24 को ये सर्कुलर जारी किया गया था ईपीएफओ की तरफ से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा इस बार का वो 8.25% है, डिपेंड ऑन द अप्रूवल फ्रॉम लेबर ऑफ मिनिस्ट्री। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसकी तरफ से इस पे अप्रूवल आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर पारा 61 ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 फॉर क्रेडिटिंग ऑफ इंटरेस्ट 8.25% ऑन ईपीएफ एक्युमुलेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 टू द अकाउंट ऑफ ईच मेंबर ऑफ द स्कीम, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इसको अप्रूव कर दिया है, और अब जो 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.25% की दर से हम सबको मिलेगा, और बहुत जल्दी ये हमारे जो पीएफ अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा, आपको अपनी पासबुक में एंट्री देखने को मिल जाएगी। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये जो लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उसकी तरफ से जारी किया गया है। ये काफी अच्छी न्यूज है सभी पीएफ मेंबर्स के लिए, क्योंकि हम सब लोग हर साल इंतजार करते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जल्दी से हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो, जो पैसा है वो हमें पासबुक में देखने को मिले। तो अभी इस पे फाइनल अप्रूवल जो पेंडिंग था सेंट्रल गवर्नमेंट का वो आ गया है, जल्दी ही हमें ये जो एंट्री है अपने पासबुक में देखने को मिलेगी, आपको अपना पीएफ का जो इंटरेस्ट का पैसा है वो आपको अपने अकाउंट में देखने को मिलेगा। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सभी जो पीएफ मेंबर्स हैं जो इंतजार कर रहे हैं उन सबको पता चले कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.25% की दर से 2023-24 का हमें मिलेगा, और उस पर फाइनल अप्रूवल आ गया है, जल्दी ही हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।